वो उन पर तनकीद कर रहे हैं, ट्विटर के ऊपर देखिए और सुने, फेसबुक के ऊपर देखिए, इवन मीम्स बहुत से बन रहे हैं। इसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल बयानात उनकी तरफ से दिए गए रियासत पाकिस्तान के बारे में। ओ जाकिर नायक, तुमसे डिबेट नहीं करना चाहते, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है ठोकने के चक्कर में, तुम पागल वागल हो क्या? डू यू थिंक पीपल इन इंडिया और द पुलिस इन इंडिया और द लॉ एनफोर्समेंट और द गवर्नमेंट दे वांट टू डिबेट विद यू? दे डोंट वांट टू डिबेट विद यू, दे वांट टू डू मच मच वर्स। आई मीन तुम किस चक्कर में पड़े हो कि डिबेट डिबेट? लाइफ इज नॉट ऑल डिबेट, लाइफ इज नॉट अबाउट डिबेटिंग। एंड इफ यू विन इन अ डिबेट दैट डज ऑन विन, क्या तुम्हारे चेले चपाटे सामने खड़े हैं, वो ताली पीटते रहते हैं, तुम बोलते हो दिस इज रिटन इन चैप्टर 1 वर्स 5 चैप्टर 3 वर्स 17, कौन जाके चेक कर रहा है? कुछ भी बोलते हो तुम, और तुम कह रहे हो कि Nobody can debate. वो तुम्हें ठोकने के चक्कर में भाई, तुमसे डिबेट करने के चक्कर में नहीं है, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो भाई साहब, पाकिस्तान के वरिष्ठ बुद्धिजीवी जो जाकिर नायक की ये खबर सुन के बड़े खुश हो रहे थे कि जाकिर नायक साहब हमारे पाकिस्तान में आ रहे हैं, यहाँ पे जलसे करेंगे, तकरीरें करेंगे, और जाकिर नायक के आने के 15 दिन के बाद में वही बुद्धिजीवी आज ये बोल रहे कि ये जाकिर नायक कब जाएगा, इसको निकालो, इसको अरेस्ट करो, इसके खिलाफ वारंट निकालो, इसके खिलाफ फतवे निकालो, इसको भगाओ पाकिस्तान से। क्योंकि जाकिर नायक ने जो जहालियत पाकिस्तान में आके दिखाई है, इन पाकिस्तानियों को भी इतनी उम्मीद नहीं थी। हालांकि पूरी दुनिया के अंदर जहालियत के अंदर कोई नंबर 1 मुल्क है तो वो पाकिस्तान है, लेकिन ये तो पाकिस्तानियों का भी अब्बा निकला, उनसे भी 2 कदम आगे। लेकिन एक सेकंड, लेकिन अगर हकीकत में अगर देखा जाए तो जाकिर नायक वो बोल रहा है जो बिल्कुल सच है, जो इनकी कुरानों में लिखा है, हदीसों में लिखा हुआ है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में कुछ लोग हैं जो शुगर कोटेड इस्लाम पेश करते हैं, सेकुलरिज्म का झूठा चश्मा पहनते हैं ताकि हिंदुओं को बरगलाया जा सके, लेकिन हमारे हिंदू भी उस कबूतर की तरह आंख बंद करके रहते हैं, उनको लगता है बिल्ली है ही नहीं। अबे साले, तो इन पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकारों की भी आंखें खुल चुकी है, ये भी जाग चुके हैं, और 15 दिन में जाकिर नायक ने जो जलवा दिखाया उससे पाकिस्तान कौम त्राई त्राई कर रही है। वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, तो बिना देर के चलते हैं पाकिस्तान। वसीम साहब, आप कैसे देखते हैं जाकिर नायक साहब का जो दौरा था? मेरा तो ख्याल है कि उनको बहुत एक्सपोज कर दिया इस दौरे ने, बहुत सारे जो उनके एडमायरर्स थे पाकिस्तान में वो अब उनके खिलाफ लिख रहे हैं, और उनके जो मद्दा हैं बहुत कम हो रह गए हैं, आप क्या कहेंगे? जी, मुझे तो बिल्कुल यही महसूस हो रहा है कि जैसे किसी मरीज को कोई इंजेक्शन लगाया जाए और वो उसका रिएक्शन हो जाए, तो हमारी रियासत अवाम को एक इंजेक्शन लगाना चाह रही थी, इंजेक्शन लगाया और उसका रिएक्शन हो गया, और वो रिएक्शन जो है वो आपको भरपूर अंदाज में सोशल मीडिया पे नजर आ रहा है। तो मकासद ये हासिल करना चाहते थे जाकिर नायक के इस विजिट से कि गालिबन लोगों की अटेंशन डाइवर्ट हो, गालिबन ये यहाँ पे आके कहें जी कि अगर हुक्मरान जो है वो कुरान और अहदीस पे अमल करता है तो वो डिक्टेटर भी ठीक है, वो इस्लाम के मुताबिक है, ऐन मुताबिक है। तो वो चीज़ें तो पीछे रह गई, और जब इनसे अनप्लांटेड सवाल किए गए, वो सवाल किए गए जिनके लिए ये मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे, जिनके जवाबात इन्होंने तैयार नहीं किए हुए थे पहले से, तो उसका नतीजा ये निकला है कि ये बिल्कुल बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। यानी कल जो बादशाही मस्जिद में एक लड़का वाजिद एहसास, उसने जो सवाल किया और जो इन्होंने जवाब दिया, तो ये तो हमारे जो बड़े ही एक थके हुए मौलवी होते हैं वो भी इससे बेहतर तौर पे सवालों को हैंडल कर लेते हैं, लेकिन ये तो उस लेवल पे भी नहीं पहुंच सके, और इन्होंने बकायदा थ्रेट्स देनी शुरू कर दी और उसको रिडिक्यूल करना शुरू कर दिया और उसको इन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जिस मकसद के लिए बुलाए गए थे वो मकसद तो कहीं पीछे रह गया, और पाकिस्तानी अवाम ने और ख़ास तौर पे जो हमारे बाशऊर नौजवान हैं उन्होंने इनको मुकम्मल तौर पे बरहना कर दिया है, और इनके पास अब कोई चारा नहीं रहा कि ये यहाँ से अब वापस मलेशिया चले जाएं। मलेशिया जाएंगे भी तो किस मुंह से जाएंगे, हिंदुस्तान में तो पहले ही नाक कटवा चुके हैं, थोड़ी बहुत नाक पाकिस्तान में बची थी वो कट गई। जी, उन्होंने जो नौजवान था जो वाजिद एहसास, उसने ये कहा था कि मैंने 4 साल पहले इस्लाम को प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, और उन्होंने फिर जाकिर नायक साहब ने इरिटेट होके उसको मुर्ताद भी डिक्लेयर कर दिया, और ये भी कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए और तुम्हें ये होना चाहिए। तो मुझे याद आ रहा था एक ऑस्ट्रेलियाई नौजवान ने लिखा एक दफ़ा कि मैं यहूदी हूँ और मैं
प्रैक्टिसिंग यहूदी नहीं हूँ, शायद बिलीविंग यहूदी भी नहीं हूँ, तो मैं अपने रबाई के पास जाता हूँ तो सारे टेढ़े सवाल करता हूँ, तो वो कभी गुस्से में नहीं आता, कभी उसने ये नहीं कहा कि तुम मुर्ताद हो गए हो। तो हमारे यहाँ जो है ये रवैया जो है कि ज़रा सा भी अगर आप अनकम्फर्टेबल सवाल करें तो मौलवी साहब जो हैं वो गुस्से में आ जाते हैं, चाहे वो जाकिर नायक हों या कोई गली के मौलवी हों, तो लोग फिर उनसे बात करते हुए भी डरते हैं। एक दफ़ा मेरी बात हो रही थी एसएम जफर साहब से, तो वो कहने लगे कि ये जो ब्लैसफेमी लॉ है ना, इसने तो इस्लाम की तबलीग का रास्ता भी रोक दिया है। अगर एक क्रिश्चियन फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसको तबलीग कर रहे हैं और वो कहता है जी मेरे जहन में कुछ सवालात हैं इस्लाम के हवाले से, और वो डरता है कि वो कहता है जी मैंने अगर इनका इनको एक्सप्रेस कर दिया तो मेरे ऊपर तो ब्लैसफेमी लग जाएगी, तो वो डरता हुआ अपना सवाल भी ज़बान पे नहीं लाता। तो आप कैसे देखती हैं आरजू इस कंट्रोवर्सी को, इस सूरत हाल को? सर सबसे पहले तो मुझे बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, लेकिन जाकिर नायक साहब जो हैं वो मुझे तो वो गली के ही मौलवी लगते हैं, मुझे तो कोई खास चीज उनके अंदर ऐसी दिखी नहीं जिसकी वजह से वो इतने कोई फेमस हो गए या कुछ। एक चीज जरूर है कि ये जो इंडिया से लोग आते हैं ना, चाहे वो मौलाना मौलवी हों चाहे जाकिर नायक टाइप के लोग जो इंडिया से भागे हुए लोग हैं, ये पाकिस्तान के लोगों को बहुत हल्के में लेते हैं। इनका ख्याल होता है कि इस्लामिक कंट्री है तो डेफिनेटली यहाँ पर लोग जो हैं बहुत ज़्यादा कोई टेढ़ा सवाल नहीं करेंगे और बहुत इनकी हिसाब से रहेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जब मेरे पास भी मौलाना साजिद रशीदी आए थे तो वो भी ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जो मैंने उनसे पूछा, और इसी तरीके से जाकिर नायक से भी लोगों ने जो सवाल किया वो देख कर मुझे तो बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तान में इस तरह के लोग मौजूद हैं और लोगों में हिम्मत आ रही है, लोग बात कर रहे हैं, लोग सवाल करने लगे, और ये करना चाहिए, इसी से ये लोग एक्सपोज होते हैं। और शायद पाकिस्तान में पहली बार ऐसा मैंने देखा कि हर कोई चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, किसी भी जगह से बिलोंग करता हो पाकिस्तान की, वो भारत की इस बात की तारीफ कर रहा है कि भारत ने जाकिर नायक को बाहर निकाल दिया अपनी कंट्री से, या उसके ऊपर केसेस बने हैं या वो वांटेड हैं, और इस किस्म की चीजें पहली बार हर कोई भारत की तारीफ कर रहा है कि भारत ने जाकिर नायक जैसे लोगों को अपने टिकने नहीं दिया। अब कुछ तो पाकिस्तान को भी सीखना चाहिए और इस तरह के लोग जो हमारे यहाँ भरे पड़े उन्हें भी हमें जरा टफ टाइम देना चाहिए। वैसे ये अच्छा है कि इन्होंने आकर ये साबित कर दिया कि ये कितने बड़े स्कॉलर हैं, इन्होंने अपने आप को ही बेसिकली एक्सपोज कर दिया, और अब मेरा ख्याल है कि ये जो रिलीजन का एक बिजनेस चलाते हैं इनका ज्यादा चलने वाला नहीं है। यस, इनकी दुकानें बंद होनी चाहिए। जाकिर नायक ने खुलेआम पाकिस्तान के अंदर स्टेज पे खड़े होकर ये कह दिया है कि हर मुसलमान को आतंकवादी होना चाहिए। और बताओ आप वसीम साहब, उन्होंने एक बात ये भी की कि काफिर के लिए दुनिया जन्नत है, तो भाई क्या दुनिया के जितने काफिर हैं वो जन्नत में रह रहे हैं? क्या काफिरों में कोई गरीब नहीं है? क्या लाचार नहीं है नॉन मुस्लिम्स में से? तो इस तरह की जो दलील देते हैं ये, और फिर एक उनका मैंने देखा क्लिप जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर 13 साल की बच्ची, मेरी बच्ची हो 13 साल की, उसकी शादी 112 साल के मर्द से कर दी जाए तो इसमें क्या काबिल एतराज़ बात है, बशर्ते के वो बंदा जो है वो नेक पाक हो, परहेजगार हो, मेरी बेटी को जन्नत में ले जाए। अगर ये जाकिर नायक तक ये वीडियो पहुंचता है तो जाकिर नायक साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी दो बेटियां हैं, आपकी दोनों बेटियों को आप 112-13 साल के बुड्ढे को तो छोड़ो, 70-70 साल के बुड्ढों से शादी करा दो, नेक अमल वाले इंसान से करा दो जो तुम्हारी बेटियों को जन्नत में लेके जाए और पूरी दुनिया के अंदर मिसाल कायम करो। लेकिन ये आप लोग ऐसा करेंगे नहीं, ये चूहन सिर्फ ना समझ लोगों को ही चटवाएंगे। अगर हिम्मत हो तो जाकिर नायक साहब करके दिखाना। तो इस तरह की बातें करने की उनको जरूरत क्यों पेश आती है? फिर उनका जो बेशुमार बयान है कि हर मुसलमान को दहशतगर्द होना चाहिए, और जब आप उनको कन्फ्रंट करें तो फिर कहते हैं नहीं नहीं, दहशतगर्द का जो है ना मतलब वो ये है जो जिससे लोग डरें, बुरे लोग डरें। तो भाई ये सिमेंटिक गेम्स आप क्यों खेलते हैं? आप सीधी बात क्यों नहीं करते? टेररिज्म एक लफ्ज़ है, टेररिस्ट एक लफ्ज़ है जिसका एक क्लियर मफहूम है पूरी दुनिया में, और मुसलमानों पर अक्सर ये इल्ज़ाम लगता है कि ये दहशतगर्दी करते हैं, टेररिज्म करते हैं, और फिर आप ये कह रहे हैं कि हर मुसलमान को दहशतगर्द होना चाहिए। तो क्या इनको मजा आता है कोई इस तरह की कंट्रोवर्सीज छेड़कर? देखिए बात ये है कि ये लोग जो है ना, ये मॉडर्न एज की जो भी इस वक्त थॉट है ये उस तरफ नहीं जाएंगे, ये मॉडर्न वैल्यूज की बात नहीं करेंगे, मॉडर्न एज के जो मसाइल हैं उनकी बात नहीं करेंगे। इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास जो मटेरियल है उस मटेरियल में सिमेंटिक्स का एक बड़ा अमल दखल है कि आप बड़ी मज़ेदार किस्म की बातें करें
और आपके सामने एक ऑडियंस हो, आप ऊंचाई पे बैठे हो, वो नीचे हो, और कोई सवाल ना करे आपसे, ऐसा बस आपसे मीठी मीठी बातें की जाएं और आप उनके मीठे मीठे जवाब दें। ये एक फॉर्मेट है जो कि पिछले सैकड़ों साल से चला आ रहा है। आप हमारी, आप देख लें हमारी इबादत गाहों में देख लें आप कि ये इसी फॉर्मेट को फॉलो किया जाता है। कोई सवाल जवाब वहां पे नहीं होते, जनरली होते ही नहीं है बल्कि। तो ये आदि हैं इसी किस्म के सवाल, एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे बातें करनी, ये दुनिया जहन्नम है और असल दुनिया बाद में है, और बच्ची अब ये भाई, आप एक बच्ची की जो है वो 6 साल 8 साल कितने साल 10 साल की बच्ची, कितने साल की इन्होंने कही बच्ची, 13 साल, हाँ 13 साल की बच्ची जो है, 13 साल की बच्ची की शादी आप 112 साल के बंदे से आप कर रहे हैं। यानी कॉमन सेंस को ये चीजें जो है ये अपील नहीं करती आज के दौर में, 21st सेंचुरी जा रही है ये। लेकिन ये लोग चूंकि इनको कोई कन्फ्रंट नहीं करता, तो ये जो बातें इनके दिमाग में आती हैं करते चले जाते हैं। पाकिस्तान में अब ये हुआ है कि लोगों ने कन्फ्रंट किया है और कन्फ्रंट करने से ये एक्सपोज हुए हैं। जी शकील जी, अच्छा आरजू आप कैसे देखती हैं इन कंट्रोवर्सीज को, कि जाकिर नायक साहब जो हैं वो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज को अवॉइड कर सकते थे, लेकिन वो खामखा कंट्रोवर्सी को आवाज़ देते हैं। मुझे एक दोस्त ने बताया जो इनके साथ उस मीटिंग में मौजूद था, सबूक सैयद नाम है उनका, तो एक एंकर ने कहा सबूक से कि मेरा फ़ोटो बना दें डॉक्टर साहब के साथ। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं ख्वातीन के साथ सेल्फी नहीं बनाता, आप दरमियान में आ जाएं। तो सबूक सैयद दरमियान में खड़े हो गए। फिर बाद में उन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब मेरे लिए हलाल है, आपके लिए हराम है औरत के साथ खड़ा होना? मतलब इस तरह की मजाका खेज सिचुएशंस वो खुद पैदा करते हैं, वरना वो चुप कर जाएं भाई। अगर आप फोटो नहीं बनवाना चाहते तो कह दें जी मैं नहीं बनवाता। बीच में से कहा सबूक सैयद को कि आप दरमियान में आके खड़े हो जाएं। और फिर ये देखिए इन्होंने जो कहा PIA पे जो चढ़ाई की कि मैं 1000 किलो सामान ला रहा था, PIA ने मुझे ओब्लाइज नहीं किया। कौन सा शरीफ आदमी 1000 किलो सामान के साथ सफ़र करता है यार? और आप तो कतर एयरवेज से आए, आपके चंद जो मसाहिबीन थे, आपके जो साथी थे, वो PIA से आए, उनको आपने ड्यूटी लगा दी कि जी ये 1000 किलो लेके जाएंगे और उसके एक्स्ट्रा जो सामान है उसकी पेमेंट नहीं करेंगे। ये भाई कौन सा मज़हब है, कौन सा इस्लाम है कि अगर आपके पास सामान ज़्यादा है तो आप पे करें उसके लिए? आप इसका क्या मतलब है कि स्टेट, आप स्टेट गेस्ट हैं क्या? आपने स्टेट को बताया था जब उन्होंने इन्विटेशन दी कि भाई मैंने 1000 किलो सामान लेके आना, आपकी जिम्मेदारी है उसका खर्चा देना, मैं नहीं दे सकता? तो ये क्या 1000 किलो में क्या था ऐसा इनके पास, क्या लेके आ रहे थे ये? सर पहली बात तो ये आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी कि कोई शरीफ आदमी जो है वो 1000 kg लेके नहीं आएगा। इससे ये बात साबित हो गई कि ये शरीफ आदमी बहरहाल नहीं है, क्योंकि ये इतना सामान लेके आ रहे थे तो शराफत तो इनकी उधर ही खत्म हो गई। लेकिन बाकी ये कि जाहिर है कि ये इस तरह की कॉन्ट्रोवर्सी शुरू कर रहे होंगे ताकि कोई इनको पूछे यहाँ पर आके। जैसे मैंने कहा इनका ख्याल था कि पाकिस्तान की पब्लिक बड़ा इन्हें वेलकम करेगी, बड़ी इनकी बातें सुनी जाएंगी, इसी किस्म की बातें ये पहले भी करते रहे होंगे। लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों में बहुत अवेयरनेस आ गई है। ये समझ रहे शायद जब इन्होंने PIS TV बनाया था और ये वहां पर बैठ के जो कुछ बोला करते होंगे, मैं तो खैर कभी इनको देखा ही नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने जो कुछ वहां बातें की होंगी वही बातें लेकर ये यहाँ पर आ गए। और इनका ख्याल था कि इनका ये रिलीजन का चूरन यहाँ पर बिकेगा। अच्छा, इनको हमारे यहाँ के मुल्ला मौलाना भी सपोर्ट नहीं कर रहे, वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे यहाँ लोग जो एक फील्ड में काम करते हैं वो चाहते हैं दूसरा ना चले ताकि हमें ही लोग जो है ना वो पहचाने, हमें ही देखें, दूसरा जो है वो कहीं जाए खड्डे में। तो वही मौलाना साहब भी सारे परेशान हो गए होंगे कि ऐसा ना हो गया भाई ये यहाँ पर आ जाएं। लेकिन इन्होंने आते के साथ ही सबसे पहले तो PIA पे चढ़ाई कर दी कि जी आप मुझसे पैसा क्यों मांग रहे हैं। वहां से इनको जो जूते पड़ने शुरू हुए, उसके बाद इन्होंने फीमेल्स के ऊपर बात करनी शुरू कर दी कि जी वो अगर 20 मिनट्स तक आप फीमेल्स को देखेंगे तो और आप में कुछ ना हो तो इसका मतलब है आप इलाज करवाएं। इस किस्म की गरीब घटिया बातें इन्होंने की। और साथ इन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में आके कि अगर प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर आप फीमेल्स को बना रहे हैं इसका मतलब है मर्द खत्म हो गए। इस किस्म की बातें इन्होंने अजीब अजीब की, जिससे इन्होंने साबित कर दिया कि इनको भारत ने निकाल के बिल्कुल ठीक किया था। और अब ये यहाँ से भी मुझे लग रहा है जिस तरह से इनको जूते चप्पल पड़ रहे, यानी के एक बड़ा कंजर्वेटिव एरिया है,
हम लोग सब जानते हैं कि वहां पर जो फीमेल्स हैं वो पर्दा करती हैं, उस तरह से हम इस्लामाबाद या लाहौर या कराची जैसे मॉडर्न तरीके से नहीं घूमती फिरती। वहां पे अगर वो इतने टफ क्वेश्चन इनसे कर रही हैं वहां की खवातीन और इनसे पूछा जा रहा है, तो डेफिनेटली बहुत हिम्मत है और बहुत अच्छी बात है कि हमारी फीमेल्स इस तरह से उठकर इनसे सवाल कर रही हैं और ये उसमें मुंह छुपा के भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको रास्ता कहीं दिखाई नहीं दे रहा था जहां से ये निकल सके, जहां से ये छुप सके। और इनकी बार बार जिस तरह से खातिर की जा रही है, और अभी कहा गया जी लाहौर में सिक्योरिटी बढ़ा दी है। सिक्योरिटी क्यों बढ़ा दी है भाई? आपको तो जन्नत में जाने का बड़ा शौक है, तो इनको ये नहीं पता कि मर के ही जन्नत में जाते हैं, जिंदा तो जन्नत में नहीं जा सकते। और जैसे ये कह रहे हैं कि नॉन मुस्लिम जन्नत में रह रहे हैं, तो बस फिर ऐसे तो सभी बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर वो आराम से हैं। वहां से अभी तक आके तो किसी ने इनको बताया नहीं है कि वहां पे क्या कुछ है। लेकिन ये एक गलत तरीके से अपने आप को स्कॉलर कहते हैं, इस्लामिक स्कॉलर है। वैसे कराची यूनिवर्सिटी ने भी इनको एक डिग्री दे दी है पीएचडी की, न जाने क्यों। लेकिन ये पूरी तरह से एक्सपोज हुए हैं और कोई मुल्ला मौलाना इनका साथ देता दिखाई नहीं दे रहा, ये बड़ी अजीब बात है। ये डिस्कशन सुनने के बाद में एक बात तो पूरी तरीके से क्लियर हो गई है कि इन पाकिस्तानियों को भी समझ में आने लग गया है कि हमारे को मजहब का ओवरडोज दिया जाता है। वाह भाई वाह। अब वो ओवरडोज इतना ओवर हो गया, इतना ओवर हो गया कि इन लोगों का मजहब से दिल बढ़ता जा रहा है। हाँ भाई हाँ। तो लोगों में अवेयरनेस आ रही है और धीरे धीरे इन्हीं लोगों की जो जहालत भरी बातें सुन के, जिसमें कोई सवाल का जवाब नहीं देना। जाकिर नायक तो खड़ा होकर स्टेज पे बोल देता लोगों को, कोई सवाल, कोई टेढ़ा सवाल होता, बकवास बंद करो, अपना सवाल पूछो, तुमको बात करना नहीं आता, इससे माइक छीन लो, क्लियरली खड़ा होकर बेइज्जत करता है। और किसी और दूसरे धर्म वालों को नहीं, अपने मुसलमानों को। फिर जाकिर नायक ने पाकिस्तान में जाके बहुत अच्छा किया या अपने आप को एक्सपोज किया, इससे बढ़िया और कोई बात हो ही नहीं सकती थी। और हाँ, ये वीडियो शकील चौधरी जी का, अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर ये पूरा वीडियो देख सकते हैं। काफी मजेदार इंटरेस्टिंग बातें करी गई है। ठीक है जी। और हाँ, आप लोगों के सवाल का जवाब और दे दूं मैं, आपके दिल की बात। काफी सारे भाई लोग मेरे से ये पूछते रहते हैं कि भाई आजकल आप वीडियो में कम आते हो, एक वीडियो में आते हो, दो में नहीं आते हो, दो में आते हो, तीन में नहीं आते हो, चक्कर क्या है, लफड़ा क्या है, आखिर क्यों? क्योंकि इस टाइप के कमेंट काफी आ रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना वीडियो के अंदर ही बता दिया जाए ताकि सभी को पता चल जाए कि बात बहुत दूर तक जाएगी। तो मेरे वीडियो में नहीं आने के सबसे बड़ी वजह है, तो भैया आपके घर में कोई ना कोई फैमिली में कभी ना कभी कोई बीमार रहा होगा, वो हॉस्पिटल में भी एडमिट रहा होगा, और उनकी तीमारदारी की जिम्मेदारी अगर आपके ऊपर आ गई है तो आप सोचिए, एक पैर आपका हॉस्पिटल में रहता है, एक पैर आपका घर में रहता है। बच्चा बच्चा जानता है, ये सब जानते हैं। ऐसे हमारी फैमिली के अंदर हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी तीमारदारी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो एक पैर हॉस्पिटल में रहता है, एक घर में रहता है, ऑफिस आना जाना बहुत कुछ है, तो पॉसिबल नहीं हो पाता रोज रोज आना, और थोड़े दिन की बात है फिर आपका भाई आपकी सेवा के अंदर हाजिर रहेगा ही। देख रहे हैं आप, खैर पूरा वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन आपका, आप भी अपनी राय रख सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।